जय माता दी ऑल। और आजकल भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर। सर आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज के लिए थैंक यू वेरी मच, सर आपकी वेब सीरीज के लिए थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में पहली बार पता चला कि कंपनी लॉ के इंटरप्रिटेशंस कैसे करनी है। सर हमारी टीचर की बुक में सर वो एक कॉन्सेप्ट था, सर वो बिल्कुल ही गायब कर दिया, बीच इत्तू सा दिया सर, इत्तू सा पूरा कॉन्सेप्ट गायब कर दिया। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या करते, आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज से पता चला कि इस कॉन्सेप्ट में ऐसे पढ़ना था। सर सर किसी सेक्शन में ऐसा भी किया हो कि एक लाइन जहां पर आपने कॉमा दिखाया है, कॉमा के बाद वाला उन्होंने पूरी लाइन गायब कर दी, आधी लाइन वहीं फुल स्टॉप लगा दिया, सर आगे का कॉन्सेप्ट गायब हो गया और उसी के ऊपर आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, उस कॉमा के बाद जो 6 वर्ड्स हैं, सर हम क्या करते सर एग्जाम में अगर हमें नहीं पता होता ये वाली बातें। तो थैंक यू के बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन ब्रह्मास्त्र सीरीज। और कईयों की शिकायत आ रही है कि सर डायरेक्ट तो बताया नहीं टीचर ने। खैर अब आप मुझसे जुड़ गए हैं तो आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं इफ यू आर इन द सीएस एग्जीक्यूटिव और इन द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। और मैं तो कहूंगा सीए वाले भी, सीएमए वाले भी मोस्ट वेलकम, नॉलेज अच्छी मिल रही है कंपनी लॉ की तो और क्या चाहिए। वेल ये क्वेश्चन एक आपके सामने है, सेक्शन 2 पढ़ा हुआ है ना आपने, बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी, उसमें से पूछूंगा। बट ये क्वेश्चन आपसे बाद में पूछूंगा मैं, वेल आई विल बी आस्किंग अबाउट दिस लेटर ऑन। पहले वेल आपसे कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं यहां पर, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच आई लाइक टू शेयर एंड दैट इज लास्ट थ्री डेज आर देयर। जो मैंने पहले बोला था नोटिफिकेशन आई हुई है हमारी ऐप के अंदर, मेक माई करियर ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर, तो वो नोटिफिकेशन का फायदा ले लो अगर आप वाकई डायरेक्ट से मोहब्बत होने लगी है। वेल क्योंकि आने वाले टाइम में जो इस वक्त जो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ इस नोटिफिकेशन के अंदर, वो बेनिफिट शायद मैं जिंदगी में दोबारा कभी नहीं दूंगा। तो डाउनलोड दैट ऐप मेक माई करियर एंड चेक द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, देयर इज सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू लास्ट थ्री डेज। वेल उसके बाद फिर मत कहना कि सर फ्लाइट उड़ गई हमारी, एंड डोंट आई विल से डोंट मिस द फ्लाइट अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो या सीएस प्रोफेशनल में हो, नहीं तो जिंदगी में फिर बाद में पछतावा होगा कि सर फ्लाइट निकल गई सर। और इस बार ना मैं वो राउंड घुमाकर वापस नहीं लेकर आऊंगा लैंडिंग कराने के लिए, जैसे पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर राउंड घुमा लो और लैंडिंग करवा दो, इस बार नहीं लेकर आऊंगा, आई विल नॉट। तो आप लोगों के पास आखिरी 3 दिन बचे हुए हैं, बस फायदा ले लो, मैं तो कहूंगा जिंदगी भर उसके बाद दुआएं दोगे कि सर जिंदगी बन गई। और अगर आप सीएस कर रहे हो ना सीरियसली तो लाइफ में बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा। मैं तो आगे 25-30 साल की बात करता हूँ, ये तो बहुत अलग ही मेंटालिटी चल रही है आजकल, क्या बोलूँ। वेल आई डोंट रियली गो बाय दैट बैड मेंटालिटी और दैट लो लेवल मेंटालिटी के साथ तो मैं चलता ही नहीं हूँ। तो मेरे मिशन्स ही लाइफ के कुछ और हैं और जो मेरे मिशन्स हैं तो उस हिसाब से मेरे बच्चे पहुँचे हुए हैं बहुत जगह। वेल इन टॉप 200 कंपनीज इन इंडिया, टॉप 10 लॉ फर्म्स, टॉप 20 लॉ फर्म्स, बिग 4 सीए फर्म्स विदाउट डूइंग सीए, वेल एंड दे आर वर्किंग इन द रेगुलेटरी कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ बिग 4 सीए फर्म्स, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, कहाँ कहाँ क्या बताऊँ। मतलब बस नॉलेज अगर आपके पास अच्छी है, क्वालिटी नॉलेज है, तो जिंदगी में कुछ कर जाओगे, नहीं तो फिर मैंने बताया या आप ऐसी लाला टाइप कंपनीज में जॉब करोगे। ऐसी जॉब्स भी हैं जहां पर दिन में 1 घंटा आप कंपनी लॉ का काम करोगे, कुछ मिनट्स का नोटिस और जनरल मीटिंग का, बाकी 8 से 9 घंटे आपसे टैली पे और अकाउंट्स का काम करवाएंगे, और टैली या एक्सेल शीट पे अकाउंट्स का काम करवाएंगे, तो वो वाला काम कर लेना फिर, उस तरीके की जॉब रहेगी। बाकी आपका सिग्नेचर चलेगा एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, लेकिन काम आप दिन में 8 घंटे टैली पे या एक्सेल शीट पे करोगे। और फिर तो मैं कहता हूँ फिर मतलब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, डिग्री क्यों ले रहे हो, फिर तो सीधा सीधा अपना बीकॉम कर लो, बीकॉम ऑनर्स कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं 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 पढ़ना तो भाई कितनी बार बोलूं डायरेक्ट से पढ़ना है और मैं अपनी रमैया दिखाऊंगा तो फिर आप डर जाओगे, फिर वो वॉल्यूम 1 अभी तो मैं वहां दिखाता नहीं हूं, बार बार बोल रहा हूं डायरेक्ट से पढ़ना सीख लो, नहीं तो आगे ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, और आगे जॉब में तो फिर पूछो ही मत, तोते उड़ जाएंगे, पर वेल मोर उड़ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू हैपन। मैं क्वेश्चन पे अपने वापस आ जाता हूँ फटाफट, क्वेश्चन मैं पूछूंगा आंसर आप देंगे। वेल गिव द आंसर इन द कमेंट्स वेल बिलो दिस वीडियो एंड हिंट मैं बताऊंगा आपको, हिंट दूंगा साथ में। तो अब आपके सामने एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इट इज अ चैलेंज फॉर यू, हाँ इट इज अ चैलेंज फॉर यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, आजकल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, नाम सुना हुआ है आपने, नितिन गडकरी इज सुना होगा सब लोगों ने, हाँ एंड बहुत मेहनती, बहुत मेहनती मैं कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियन है और अपनी मेहनत के लिए फेमस है, ही इज वर्किंग ऑल द टाइम, और लाइकवाइज उनकी निगरानी में, सुपरविजन में, कंट्रोल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग डे एंड नाइट।
मजेदार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं आज की तारीख में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग दी, स्टेप नंबर वन, फंडिंग दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कंट्रोल करती है आज भी, तो दिस इज अवर स्टेप नंबर वन। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर सेक्शन 2 ऑफ NHAI एक्ट 1988। तो इसका अपना खुद का एक्ट है, इसको आप स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, इसको आप बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना आप सब लोगों ने, कंपनी लॉ में सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। तो एज पर सेक्शन 2 ऑफ NHAI एक्ट 1988, NHAI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, इट कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। तो बॉडी कॉर्पोरेट वाले सारे फीचर हैं वो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है वहां पर। एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या NHAI एक्ट का PDF फाइल ढूंढेंगे आप गूगल पे तो मिल जाएगा। देन तो NHAI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, नो डाउट्स अबाउट दिस एज पर सेक्शन 2 ऑफ NHAI एक्ट। एंड देन NHAI होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसको हम बोलते हैं ये कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी जो है इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम एक तरीके से बोलते हैं इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, क्योंकि 100% शेयर्स, 100% वोटिंग राइट्स, शेयर्स कह लो और उसके साथ साथ वोटिंग राइट्स कह लो, वो NHAI होल्ड कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज कंट्रोलिंग NHAI एंड NHAI इंफ्रा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इज वेल ओनिंग 100% शेयर्स ऑफ वेल नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। और एक चीज क्लियर है यहां पर, कंफर्म कर दूं मैं, कंफर्मेशन क्या है कि ये जो NHAI है इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इट्स ओन स्टैट्यूट। अब सवाल आता है फाइनली, द क्वेश्चन इज ये जो आपकी सबसे नीचे थर्ड लेवल पे दिख रही है आपको नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड विच इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मैं क्या कहूं, क्या मैं कह सकता हूं इज इट अ प्राइवेट कंपनी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन है इज इट अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी, इज इट अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड देयरफॉर डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर ऐसा कहीं सुना था? सर कहां सुना था? सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट में सर ऐसा कुछ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के टाइम पे वो पढ़ा था सर, प्रोवाइजो में कुछ लिखा था एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी एंड द होल कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। सर सुना हुआ लग रहा है, एक बार रिपीट कर दूं एक बार, अ प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ सुना हुआ है सर, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द होल कंपनीज एक्ट एंड द होल कंपनीज एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू दैट प्राइवेट कंपनी एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, जैसे कि वो पब्लिक कंपनी हो। सर ऐसा कुछ पढ़ा तो था सर। तो अब ये जो NHAI है ये प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, ऊपर इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो और ये सेक्शन 2 है NHAI एक्ट का, जिसको देखना हो तो नेट के ऊपर भी चेक कर सकता है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट NHAI। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई नहीं किया इसको बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 में लिखा हुआ है इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कुछ लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया, ना ना, सेक्शन 2 में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 2 ऑफ NHAI एक्ट 1988 में लिखा हुआ है इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, इट कैन होल्ड द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, इट कैन डू द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। तो ये स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कहां से मिला NHAI को? NHAI एक्ट में मिला हुआ है, दैट इज देयर। और मैं थोड़ी सी आपके लिए लाइफ आसान कर देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन कंपनी लॉ में है। अब जब हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 की जब बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। अब हमने बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी, लेकिन हम कहते हैं डेफिनेशन इंक्लूसिव है, तो जो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्ट करती हैं वो भी आ जाएंगी बीच में। तो NHAI जो है वो सेक्शन 2 ऑफ NHAI एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूं बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स NHAI बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ NHAI एक्ट। बात समझ में आ गई सबको? सिंपल है, वहां पर लिखा ही हुआ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी लॉ के पर्पज के लिए भी मान लेंगे कि NHAI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
फिर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आपने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनीज एक्ट के अंदर. कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956 और प्रीवियस कंपनी लॉ. लेकिन एनएचएआई जो है वो कंपनी तो नहीं है. एनएचएआई जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में तो फिट नहीं होती, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में तो फिट नहीं होती है. लेकिन फिर सेक्शन 2 क्लॉज 46 में जो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है उसमें लिखा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट और एनएचएआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड एनएचएआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ऐसी सेक्शन 2 क्लॉज 87 जब हम लोग पढ़ते हैं सब्सिडरी कंपनी तो उसमें भी लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 87 की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है विल दैट कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड एनएचएआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. तो होल्डिंग और सब्सिडी की डेफिनेशन में तो एनएचएआई आ ही रही है. एनएचएआई कैन बी अ होल्डिंग कंपनी इन सेक्शन 2 क्लॉज 46 और हमने तो देखा ही वो सिचुएशन ही है सामने हमारे दैट एनएचएआई के नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है एंड एनएचएआई इज होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ दैट वेल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अभी आपने जो कंपनी का नाम देखा था. अब सवाल आ गया आपके सामने फाइनली इंटरप्रिटेशन 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 का एक लेवल अप. हम पिछले दिनों में बोलते रहे ना वन लेवल अप, तो अब आपको वहीं ले जा रहा हूं वन लेवल अप. तो वन लेवल अप जा रहे हैं. अब बताइएगा मुझे सवाल है आपके सामने, ये वो आपकी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है और उसका प्रोविजो है सेक्शन 2 क्लॉज 71 जिसको आप बोलते हैं ना आप प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एंड इट इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द होल कंपनीज एक्ट 2013. अब आपके सामने लॉ मेकर की लैंग्वेज है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज है और मेरी बुक में ये लैंग्वेज है, मेरी बुक जिसके पास है उसमें यही लैंग्वेज है. अब बताइएगा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बींग अ प्राइवेट कंपनी एंड एनएचएआई इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. A company which is subsidiary of a company which is not a private company shall be deemed to be a public company. उसको मान लिया जाएगा कि वो public company है. और ये जो a company है ये थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि subsidiary है obviously वो एक private company होगी, उस private company को कह रहे हैं deemed to be a public company. Line number 2 में कह रहे हैं deemed to be a public company. अगर वो a company private company ना होकर public company हो तो deem करने की जरूरत ही नहीं है. अगर वो a company public company हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट अगर मैं बोलूँ अ पब्लिक कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, बेकार है बोलना, ये यूजलेस है. मतलब मैं कह रहा हूँ अ पब्लिक कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ एनदर कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ये तो कोई बात ही नहीं बनी, ये तो यूजलेस हो गया, नॉनसेंस हो गया, एब्जर्ड हो गया. मतलब वो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है तो उसको डीम क्या करेंगे. तो भाई डीम किसको किया जा रहा होगा, ऑब्वियस बात है किसी प्राइवेट कंपनी को डीम किया जा रहा होगा. तो जो पहली अ कंपनी है वो तो प्राइवेट कंपनी है. A private company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this Companies Act 2013. Sorry, ये तो बड़ी high level की बातें हो गई, बस यही तो पढ़ना आना चाहिए. अब a private company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of Companies Act 2013 even where such subsidiary continues to be a private company in its articles. Last line में confirm कर ही दिया कि वो जो subsidiary company है वो आर्टिकल्स में तो प्राइवेट कंपनी है और आर्टिकल्स में तो तीन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी. सर ये तो सुना सुना लग रहा है, आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शंस थी, रिस्ट्रिक्ट लिमिट प्रोहिबिट. सर वो तो मालूम है सर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन. अब मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ये जो लिखा है ना अ कंपनी नॉट बींग अ प्राइवेट कंपनी, क्या इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, क्या इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है कि एनएचएआई जो है वो यहां पर आ रहा है एंड एनएचएआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग कंपनी, क्या यहां पर एनएचएआई आता है या नहीं आता, यही सवाल है आपके लिए. क्या एनएचएआई को यहां पर मैं लूं इसमें या ना लूं, और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट. Obviously, private company तो body corporate है ही because of section 9. ये सवाल है अब आपके सामने. Provided that a private company which is subsi of what? Of a company which is not a private company, तो क्या इसमें a
कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी में क्या एनएचएआई को लिया जाए या नहीं लिया जाए, और होल्डिंग कंपनी में जब बोलते हैं कंपनी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन के लिए होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, तो एनएचएआई को उसमें कंसीडर किया जाए या ना किया जाए। और फाइनली एक बार मैं सवाल रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, और वो सवाल ये है आपके सामने, ये जो नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड है, क्या मैं इसको बोलूं इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बोलूं या नहीं बोलूं, और क्या मैं ये कहूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जब हम बोल रहे हैं इट इज अ कंपनी, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, तो होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, मैं ये बोलूं या नहीं बोलूं। सवाल नंबर दो इसका उल्टा, इस क्वेश्चन का उल्टा, और वो ये है क्या मैं ये कहूं नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड इज सिंपली अ प्राइवेट कंपनी, इट इज सिंपली अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, इट इज नॉट सब्सी ऑफ पब्लिक कंपनी, इट इज अ सब्सी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज सब्सी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट इज नॉट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। एंड सर ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है और ये प्राइवेट कंपनी नहीं है तो ये पब्लिक कंपनी भी तो नहीं है, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, सर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, नॉट अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो, सर ये तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो ये प्राइवेट कंपनी है ना तो ये पब्लिक कंपनी है, ये तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट इज अ स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन अंडर इट्स ओन स्टैच्यूट, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इट्स ओन स्टैच्यूट। तो फाइनली आंसर आप बताओगे अब कमेंट्स के अंदर, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया आपको, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक चीज है कि आपने शॉर्टकट्स बुक पढ़ ली, एक चीज है कि आपने बेयर एक्ट पढ़ा, और जब आपने मेरे साथ फुल क्लासेस की है ना तो फिर आप ये लैंग्वेज पढ़ते हो, फिर आप वो जो मैं आजकल फास्ट ट्रैक रिविजन करवा रहा हूं ना वो नहीं पढ़ते हो आप मेरे साथ, फिर मैं लेवल कहीं और ही ले जाता हूं जब हम फुल क्लासेस करते हैं, सर हमारा तो इतना लेवल है नहीं, तो उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। और मैं बार बार बोलता हूं ये नहीं पढ़ा तो फिर बीकॉम कर लो, बीकॉम ऑनर्स कर लो, सीएस मत करो। हमारी क्लास में जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहा था, जो हमारे टीचर थे, हालांकि वो तो एनआईआरसी प्रसाद नगर में था, नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल प्रसाद नगर में था, वहां कंपलसरी था कि बेटा क्लास में बेरेक्ट लेकर हाथ में आना तो डोर से अंदर एंट्री मिलेगी, दरवाजे से अंदर तभी एंटर हो पाओगे जब आपके हाथ में बेरेक्ट होगा, अगर आपके हाथ में बेरेक्ट नहीं होगा ना तो दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहा था तब की बात है, वो डिसिप्लिन था कि सब बच्चों के हाथ में, दूसरी क्लास में आए हो, बैच शुरू हो गया और सिर्फ 20 लेक्चर्स थे, ओनली 20 लेक्चर्स ऑफ कंपनी लॉ, यहां तो 250 घंटे में पढ़ा रहा हूं इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस, तो और अभी तो आपके, चलो मैं कहता हूं 50-60 घंटे के आसपास आपका वो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, लेकिन 50-60 घंटे में क्या होता है जब मैं दिल निकाल के रख देता हूं ना अपना बाहर ऐसे इसके साथ इसके ऊपर, वो लेवल ही कुछ और होता है, वो लेवल ही कुछ और होता है। तो इसका आंसर आप दोगे मुझे कि इस प्राइवेट कंपनी का स्टेटस क्या है, इस प्राइवेट कंपनी का स्टेटस क्या है, इज इट अ प्लेन सिंपल प्राइवेट कंपनी, और लिंकेजेस जोड़नी है सारी, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। और आपको मेरे साथ तो फील हो गया होगा कि सर सब कुछ ही जुड़वा दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 71, लिंकेज ऐसे जोड़ा जाता है, और उसके साथ क्या जोड़ दिया, सेक्शन 2 ऑफ एनएचएआई एक्ट भी जोड़ दिया सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ एनएचएआई एक्ट, वो भी साथ में जोड़ दिया। तो वन लास्ट टाइम आई एम मेकिंग दैट अनाउंसमेंट देयर फॉर यू कि अगर आप लोग भी इस तरीके की जॉब्स में आना चाहते हो, टॉप 200 टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया, और आपको वो लाला टाइप कंपनीज में अपना करियर खराब नहीं करना, तो बेरेक्ट पढ़ना है, कंपलसरी है, और बेरेक्ट खरीदो परचेज करो कंपलसरी है अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, और आप सीए वालों की तरह मत पढ़ो कंपनी लॉ, आप सीएमए वालों की तरह मत पढ़ो, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, उनके सब्जेक्ट्स वो डिटेल में पढ़ते हैं, कंपनी लॉ को एज सपोर्ट सब्जेक्ट लेकर भी अच्छे से पढ़ ही लेते हैं वो लोग, सीए फाइनल में तो काफी डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि कंपनी में आर्टिकल या अपनी सीए फर्म में आर्टिकलशिप करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हुए। सीएस के बच्चे कामचोर हो गए, बेरेक्ट नहीं पढ़ते, या टीचर्स
के को बोलूं कि वो मिस गाइड कर रहे हैं कि बेरेक्ट के बारे में कोई बताता ही नहीं है बच्चों को कि बेरेक्ट लेना था. तो लास्ट 3 डेज यू आर हैविंग, कैच द फ्लाइट और यू विल लूज इट. मेरी तरफ से बस इतना ही अभी के लिए. आंसर कमेंट्स में लिख देना. आई विल बी वेटिंग, आई विल बी वॉचिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच. जय माता दी.